अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ इस्तेमाल के बारे में देखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब्स अमूमन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है या जुमले उससे हम किस तरह तरतीब दे सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। स्पेशली ये नाइन्थ क्लास का लेक्चर है, लेकिन कोई भी जिसको भी इसमें आसानी चाहिए हो या इजीली अंडरस्टैंड करना हो, आप इसे वॉच करें, प्रैक्टिस करें, तो इसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। द यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव हैड, विल हैव, शैल हैव एंड इट, देयर, ये मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो बारी बारी इसको सीखेंगे क्या किया जा सकता है। और बाकी ये जो इट और देयर है, इनका ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हट के लेक्चर है, इनका यूजेज है, डेफिनेशन है, तो उसको ज़रा हम बाद में डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, एम, आर, आप देखें, इज़, एम, आर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं ये। अगर हम इसको इज, एम, आर, ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, जैसा कि आप मालूम भी है आपको ग्रामर, तो शॉर्ट इसको मैं यहाँ प्रेजेंट डिस्क्राइब कर देता हूँ। और इज़ होता है सिंगलर केस के लिए, कोई भी शख्स या कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। एम जो है वो स्पेशली आई जो है प्रोनाउन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो आर है इसको हम प्लूरल जो नाउन्स हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जो प्लूरल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं। इज, एम, आर, ये इस तरह क्लासिफिकेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अगर कोई टेंस कॉन्टीन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो इन्हें हम ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जहां पर वर्ब नहीं होता। अगर मैं कहना चाहता हूं ही is an engineer, अगर मैं ये कह रहा हूँ he is an engineer, तो वो काम कुछ भी नहीं कर रहा, there is no action at all, just उसका profession mention है और उसको हम describe कर रहे हैं, he is an engineer, कौन है वो? वो engineer है। तो ऐसे situation में आपको ये इज, एम, आर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ पर एक्शन शो नहीं होता। ये पहले ही बात हो चुकी है, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ना हो टेंस, नॉर्मल हालत में आप इसे इस तरह लगा सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि I am a teacher, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिंपली डिस्क्राइब हो रहा है कि आई एम अ टीचर, तो देन अगेन देर इज़ नो एक्शन एट ऑल इन अ सेंटेंस। सो उसे हम आपको फोकस रखना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब्स नॉर्मल सेंटेंस में इस तरह आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होता। फिर इसी तरह अगर आप प्लूरल वाला केस इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे वी चूंकि जमा है इसलिए हम आर इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर प्लेयर्स। अगर हम कहते हैं वी आर प्लेयर्स, इसका मतलब है कि प्लेयर्स तो हैं लेकिन वो कोई गेम नहीं खेल रहे, देर इज़ नो एक्शन। सो दिस इज द मेन रीज़न फॉर दीज हेल्पिंग वर्ब्स, समटाइम दे अपीयर विदाउट एनी एक्शन। सो यहाँ एक्शन नहीं है इसलिए हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ध्यान रखना होगा आपको
के इस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये केस मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर केस के लिए। आई लगता है एम के साथ, जस्ट फिक्स है। और आर प्लूरल के सब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन शर्त ये है कि वो प्रेजेंट में हो। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, ही इज़ एन इंजीनियर, आई एम ए टीचर, वी आर प्लेयर्स। सो इन दैट सेंस ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप इसको इज एम आर को इस सिचुएशन में याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, इस वजह से साउंड मोस्टली से व कह दिया जाता है, आर एंड पे क्लियर नहीं होता, हाईलाइट नहीं किया जाता, तो अमूमन इसकी साउंड लोग बोलते हैं, लेकिन व करके साउंड है इसका, जिस तरह वॉज है वाज नहीं है। सो दिस इज द रीज़न, साउंड मैटर्स, प्रोनाउंसिएशन जिसे आप कहते हैं। तो वॉज एंड व, इसके आगे मुझे लिखना होगा ये पास्ट है, यानी माजी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, अब इसको हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। सेम सिचुएशन है, यानी कोई एक्शन नहीं है अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है, और जुमला सिंपल सा अगर सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं हो रहा, तो आप इसका इससे हेल्प लेंगे वॉज वर्स से। इसी तरीके से आपने याद रखना है, वॉज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर्स के साथ और व यूज करते हैं प्लूरल के साथ। लेकिन शर्त है माजी की, पास्ट की। तो आप देखेंगे ऊपर वाले जुमले, अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ही वॉज, ही चूंकि सिंगल है इसलिए वॉज लगेगा, ही वॉज एन इंजीनियर। अगर हम ये कहते हैं माजी में, तो इस तरह आप कहेंगे, वॉज लगा देंगे, ही वॉज एन इंजीनियर। और शी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शी वॉज हार्ड वर्किंग टीचर, मेहनती जिसे आप कहते हैं, उस सेंस में ये बन जाएगा। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग टीचर, सो उस सेंस में ये क्लियर हो जाएगा आपको वॉज से। लेकिन जब हम प्लूरल की तरफ जाएंगे, यानी दे लगा देंगे, तो अब हमें व लगाना पड़ेगा, जिसे वर अमूमन लोग कहते हैं, वर, दे वर, दे वर डॉक्टर्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें एक्शन नहीं होता। अगर मैं ये कह रहा हूँ शी वॉज अ हार्ड वर्किंग टीचर, तो वो कोई एक्शन नहीं है, हार्ड वर्किंग एक उसकी क्वालिटी है। और दे वर डॉक्टर्स, यहाँ पर भी डॉक्टर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो इसलिए एक्शन नहीं नज़र आ रहा आपको। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस में हमने इसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप मौसम के बारे में कह सकते हैं, इट वॉज अ नाइस डे, इट वॉज अ नाइस डे यस्टरडे, जो कल जो गुजरा हुआ दिन है वो बहुत ही नाइस था। तो इस तरह भी आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इट को। इट को तो नहीं, अभी आप हेल्पिंग वर्ब ज़रा फोकस रखें, इट वॉज अ नाइस डे यस्टरडे, तो वॉज आ गया है, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस एक दिन की क्वालिटी बयान की जा रही है, कैसा दिन था, नाइस था। तो इसलिए ये आप ध्यान में रखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, इज एम आर एंड वॉज वर को। नेक्स्ट आप अगर आप देखें, इट इज नॉट एज डिफिकल्ट, जस्ट लाइक एज इजी एज जस्ट, यू हैव जस्ट फिनिश्ड, वॉज वर।
सो नेक्स्ट आप फोकस रखेंगे हैज हैव एंड हैड को। इसके लिए भी आप नॉर्मली याद रखें, ये इसका भी ऐसे ही इस्तेमाल चल रहा है। तो नॉर्मल केसेस में जब आप इसको देखेंगे, इन दोनों को अलहदा कर दें आप, हैज हैव को और हैड को हम अलहदा कर देते हैं। हैज हैव जो है ये प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं और हैड को पास्ट में। ये कैटेगरी आप बना के रखें, याद करके रखें इसको। ये हैज हैव हैड, लेकिन इसी तरह आपने ध्यान रखना है हैज़ जो है इसे हम सिंगुलर केस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हैव को प्लूरल नाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हैड जो है ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों केसेस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। जी आप इस सेंस में याद रखें, हैज और हैव दोनों केसेस इसके जो हैं कैटेगरी बना दी है, सिंगुलर केस के लिए प्लूरल केस के लिए, लेकिन हैड जो है ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये माजी के लिए इस्तेमाल होगा पास्ट, और प्रेजेंट के लिए हैज़ और हैव। अब होगा कहाँ ये इस्तेमाल? ये इस्तेमाल किया जाता है जब किसी शख्स के पास कोई मिल्कियत होती है, यानी कोई उसके पास कोई चीज़ है तो उस चीज़ को अपने पास होने के लिए वो अगर कहेगा तो वो इसी से हेल्प लेगा, हैज़ और हैव से। जैसा कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक गाड़ी है तो हमें कहना चाहिए आई हैव अ कार। उसके पास एक गाड़ी थी, ही हैड अ कार माजी, और उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ अ कार। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैड अ लैपटॉप। प्रेजेंट में कहेंगे तो आई हैव हो जाएगा, और माजी में कहेंगे, पास्ट में कहेंगे तो आई हैड हो जाएगा। ये इस तरह डिस्क्रिप्शन आप इसको बयान कर सकेंगे, और ये मिल्कियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर टेंस में आएंगे तो इनकी कंडीशन कुछ और होती है। ये हम सिंपल सेंटेंसेस देख रहे हैं इनकी, इज एम आर वॉज फॉर हैज हैव हैड, उस कैटेगरी में है ये अभी, आउट ऑफ टेंसेस सिंपल सेंटेंस में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, कल इसको मज़ीद रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट रिव्यू के साथ थोड़ा सा मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, और फिर हम इट और देयर का डिटेल इस्तेमाल देखेंगे कि कहाँ कहाँ उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थैंक यू।